एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, आप सभी के फेवरेट सेशन फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं अपने सेशन को डेली, ठीक है, इसी टाइमिंग पर पर डे। तो सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर दो, उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं ना। क्लास वगैरह सब ओपन, आपका टाइमिंग वगैरह यहाँ पे, क्लास वगैरह सारा दिख रहा होगा सभी को, साउंड वगैरह सब प्रॉपर आ रहा है, चेक कर लीजिएगा एक बार, बता दीजिएगा। कब से वेट कर रहे थे? हाँ ना यार, तो मैं तो टाइम से ही आऊँगी ना, तुम लोग कब से वेट करते रहोगे तो मैं कब से थोड़ी आऊँगी। टाइम तो जो है वही, उसी टाइमिंग पे आएंगे ना अपन। कब से तुम लोग वेट करते रहोगे तो कब से थोड़ी आ जाएंगे, है ना। टाइम जब होगा क्लास का तभी आएगी, ठीक है। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को गाइस। हमारी जो बाकी की क्लासेस हैं वो कब कब हो रही हैं, किस किस टाइमिंग्स पर चल रही है, वो मैं बता देती हूँ आप लोग को। आपका जो टाइमिंग है क्लास का वो आप लोग चेक कर सकते हो। ये है रात का 9 बजे का, ठीक है, डेली, एंड सुबह में 10 बजे का। ओके, ये इसी चैनल के टाइमिंग्स है, वाईफाई स्टडी के टाइमिंग्स चल रहे हैं आप लोग के, है ना। तो रात का 9 बजे का, सुबह में 10 बजे का आप लोग का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका ये टेलीग्राम चैनल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो। तो जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, ऐप की क्लासेस चल रही हैं अभी, और आपकी अन अकेडमी की यूट्यूब की क्लासेस चल रही हैं। तो जैसे भी आप लोग यहाँ पर क्लासेस करोगे, ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। कोई भी क्लास करेंगे आप लोगों को यहाँ पे पहले ही लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, इसी चैनल पर मिलेगा। अभी इस समय आपकी जो अन अकेडमी की क्लासेस चल रही हैं वो आप लोग की यहाँ पे चेक कर सकते हो। डेली फ्री सेशन से 11 बजे, शाम को 4 बजे, टॉपिक वाइज रात को 10 बजे, और एक और सेशन अभी चल रहा है स्पीड बूस्टर रात के 11 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है। डेली चल रहे हैं ये सारे सेशन, है ना। तो रितिका 10 कोड लगाकर सीधे सीधे और रितिका तोमर नाम सर्च करके डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है। ओके, सीधे सीधे आपको रितिका 10 कोड लगाना है, या मेरा नाम सर्च कर सकते हो ऐप पर, और सीधे आपको क्लासेस मिल जाएगी। जो 10 बजे वाला आपका टॉपिक वाइज क्लास होता है ना, उसका लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपके कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। हाँ, ये देखो, दिख रहा है जिस पे लिखा है फॉलो रितिका तोमर ऑन अनअकैडमी, ये जो लिंक दिया हुआ है वो मेरे प्रोफाइल का लिंक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको लाइव क्लास का भी ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, लाइव क्लास का ऑप्शन दिखेगा, लाइव चलते हुए क्लासेस दिख जाएंगी। तो जैसे आप लाइव क्लास वाले ऑप्शन पे जाओगे आपको क्लासेस स्टार्ट, लाइव वॉच कर सकते हो, ठीक है, लाइव देख सकते हो क्लासेस को। इसी के बाद स्टार्ट होगी 10 बजे से और 11 बजे से भी रात, ठीक है। चलिए, तो अभी आप लोग जल्दी से लाइक शेयर कर दो, उसके बाद से हम स्टार्टिंग करते हैं। रेडी वाला कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और प्लस के कोर्सेज़ पे ज्वाइन करने के लिए रितिका 10 कोड लगा ही सकते हो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 20% वाला डिस्काउंट भी आप लोग का हो जाएगा, कॉइन्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ओके, चलो ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब हाँ, फनी हो गया सारा, बातचीत हो गई सारी, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। रेडी, ओके, चलिए एवरीवन, ओके, रेडी, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फिर आगे की चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, है ना। बीच में बता दूंगी क्लासेस का टाइमिंग वगैरह, जो भी कुछ किसी को डाउट होगा तो बीच में बता दूंगी। चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक करिएगा इसको, यहाँ पर पहले क्या आंसर आएगा। हाँ, फटाफट से पहले आप लोग को इसको चेक करना, ठीक है। हो गया, यहाँ तो दिख ही रहा होगा। जब M के सामने N लिखा हुआ है, K के सामने P लिखा है, I के सामने R लिखा हुआ है, तो ये सारे अपोजिट लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ना, सारे अपोजिट लेटर लिखा है, सही है। तो ये बताओ, Z का भी अपोजिट A आ जाएगा, अपोजिट लेटर X का C आता है, V का क्या होता है, E आता है, और T का क्या होता है, G होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर है सेकेंड वाला, ठीक है। चलो, ये वाला भी कराया हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन, चेक करिएगा क्या बनेगा इसमें, है ना। चलो चेक कर लो भैया फटाफट से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज। हो गया, ये अपना क्लॉक का हम लोगों ने करा था, जो क्लॉक वाला चैप्टर 10 बजे वाले में भी करेंगे। आज भी टॉपिक वाइज क्लास इसी के बाद ऊपर लिंक लगा हुआ है, चेक कर सकते हो, वहाँ से भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो हो गया। क्या बनेगा इसमें, सी आ रहा है, थोड़ा देख लेना। चलो देखो, मुंबई के लिए हर 30 मिनट्स में एक बस निकलती है। जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लू दिए गए हैं उसको आप देख सकते हो, थोड़ा चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ। फिर एक यात्री ने बताया कि 10 मिनट पहले निकली थी और अगली जाएगी 10:30 में। बस ये हमें इंपॉर्टेंट डेटा मिल गया है ना, इसी को तो पूछा गया था। तो नेक्स्ट जो आप लोग की जाएगी वो जाएगी कितने बजे, 10:30 पे। लास्ट कितने बजे निकली होगी, आधे घंटे के गैप के हिसाब से 10 बजे ये लास्ट बस निकली होगी। अब जो पूछताछ करने गया है ना, जब वो पूछताछ करने गया तो उसको बताया गया कि बस 10 मिनट पहले निकल चुकी है, जो निकली है लास्ट वो 10 मिनट पहले निकल चुकी है। इसका मतलब लास्ट बस निकलने के 10 मिनट के बाद ही पूछताछ करी होगी। और यही पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में कि पूछताछ का समय क्या है, तो बताओ 10:10 बाद का समय था पूछताछ का, यानी 10:10। यही आपका आंसर आएगा। तो जितने लोग 9:50 आंसर दे रहे थे वही आंसर गलत है। ठीक है, बाकी सारा सही है। 10 बजे का गलत हो गया यार, 10 बजे वाले लोगों का गलत हो गया है। 10:10 वालों का भी सही है। 9:50 वालों का थोड़ा सा गलत हो गया, उन्होंने माइनस कर दिया, प्लस करना चाहिए था। ठीक है, माइनस कर दिया उन्होंने, प्लस करना चाहिए था। प्लस कर लेते तो ठीक होता, कुछ लोगों ने घटा दिया ना सीधे, घटाना नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा भाई। 3 का 81 से क्या है और 6 का क्या होगा, यहाँ पे चेक करिए। 3 का 81 से रिलेशन, 6 का क्या होगा, चेक करो। हाँ, बन गया। CRPF में आया था। हाँ भाई, हमारे क्लास के सारे क्वेश्चन ही पूरे एग्जाम में फंसते हैं, चाहे तो आप दिन भर की सारी क्लासेस करके देख लो। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, हर क्लासेस में हमारे पढ़ते हैं, अनअकैडमी वालों में भी पढ़ते हैं। अनअकैडमी वाले क्लास को आप करोगे तो सारे क्वेश्चंस वहाँ से फंसते हैं। ठीक है, अनअकैडमी वाली जो हमारी फ्री क्लासेस रहती है वहाँ हम इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं कि पूरा पेपर वहाँ से फंस जाता है, ये बात मान के चलेगा। ठीक है, 10 PM आप लोग की रहती है, 11 PM रहती है, अभी इस समय ये चल रही है और सारी फ्री चल रही है। सोचिए, ये सिर्फ ये मान के चलो कि अभी चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम है अभी, फिर जब एग्ज़ाम की चल रही है तो 1 महीने से चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, ताकि आप लोग का कवर हो जाए, है ना। तो ये टॉपिक वाइज रहती है, ये आपकी डेली फ्री क्लासेस चलती हैं ऐप पर, है ना। पूरा पेपर यहीं से फंसता है हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये तो सीधा समझ में आ रहा होगा कि 3 की पावर जब हम 4 करते हैं तो 81 आता है, 6 की पावर जब हम 4 करेंगे तभी भी आ जाएगा 1296। ठीक है, तो ये टाइमिंग लिख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, YouTube पे हो चाहे हमारी ऐप पे क्लासेस हो। ठीक है, मैक्सिमम कंटेंट हम ऐसा पढ़ते हैं जो सारे एग्ज़ाम्स में आपके काम आता है, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ये क्लासेस है, टाइमिंग लिख सकते हो आप। ये यूट्यूब पर टाइमिंग रात के 9 बजे रहती है और सुबह में 10 बजे से रहता है। ठीक है, चले ओके। ये बताओ भाई, और इसके बाद वाली जो टॉपिक वाइज वाली क्लास हम पढ़ रहे हैं वो इसके बाद ही है 10 बजे से। लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है, जो लिंक आपके दे रखी है वो कमेंट सेक्शन पे ऊपर दे रखी है। यहाँ से इसके तुरंत बाद वाली क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 10 बजे रहती है रात को। हो गया, चलो। ये तो आपका 5 की पावर 4 लिखा है, 5 का गुणा 4 बार करोगे तब आएगा। 7 की पावर 4 भी इसी तरीके से आता है। 7 की पावर 4 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2401। ठीक है, चलो इसको बताओ भाई, यहाँ पे क्या आने वाला है, चेक करें। बी को, अरे दिख गया इसमें, कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी को अगर ए कहते हैं, पी को अगर ओ कहते हैं, यानी सभी में -1 करना है। तो सारे लेटर में यहाँ पे -1 चल रहा है। ठीक है, आर से 1 लेटर पीछे, ए से 1 लेटर पीछे, यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे एच आएगा। ठीक है, चौथा वाला होगा। ओके, इसको बताइए, असम्पशंस, स्टेटमेंट एंड असम्पशंस, चेक करो। जो भी ऊपर लिंक दिख रही है, एक जिस पे लिखा है फॉलो रितिका तोमर और अनअकैडमी, वो क्लासेस का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लोगे, आपको लाइव क्लासेस चलते हुए दिख जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हो, फ्री क्लास है। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे ऊपर लिंक दिख रही होगी। हो गया, चलो यहाँ पे लिखा है भारत में जो IIT और IIM जैसे संस्थान हैं, हायर इंस्टीट्यूट्स, वो सरकार के नियंत्रण से चलते हैं, सरकारी होते हैं, तो उन्हें हमें सरकार के नियंत्रण से फ्री कर देना चाहिए। क्या ये वाला तर्क सही है? अगर सही है तो क्यों, और नहीं है तो फिर गलत कर दो। ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पहले वाला लिखा है कि हमें सरकार के नियंत्रण से फ्री कर देना चाहिए बिकॉज दूसरे देशों में ये गलत है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज चलाती हैं, क्यों? तो दूसरे देशों से हम अपने देश का कंपैरिजन यानी तुलना नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो गया। दूसरा, सरकार को राष्ट्रीय हित के लिए इनको खुद चलाना चाहिए, ये भी सही भाई, सरकारी चलाते रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तीसरा गलत है कि ये संस्थान अपने नीतिगत निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं, ये भी रॉन्ग है। तीनों के तीनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे, सिर्फ सेकेंड वाला सही रहेगा। ठीक है, ओके, चलो इसको करो भाई। दिख इसीलिए नहीं रहा है आप लोगों को क्योंकि आप लोगों का नेट जो है ना वो वीक है, थोड़ा नेट वीक है, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ब्लर हो रहा है, जबकि यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कुछ लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा होगा, तो जिनका नेट वीक रहता है उनको थोड़ा ब्लर ही दिखेगा, है ना, उसमें हम मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, सॉरी। ठीक है, हो गया। देखो अब यहाँ पे 8, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पहला लेटर लिखा हो, ऐसा तो है नहीं, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम इस तरीके के लॉजिक लगाते हैं। देखो a + b - c या a - c + b, ऐसा कर सकते हैं, या b + c जिसमें से a को घटा दो, ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरीके के लॉजिक लगाते हैं। तो चेक करो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में से 8 को घटा दो, इन दोनों को ऐड करके 7, 7 में से 6 को घटाया, इन दोनों को ऐड करके इसको घटाया, 8, 5, 13 हो गया, 13 में से 7 को घटा दीजिए इस वाले को, तो 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। अभी इसको बताइए आप, साफ साफ पढ़ाया गया है लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है, कैसे निकालते हैं लीप ईयर को, चेक करके बताओ इसमें। लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर आ जाता है ना, ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 1988 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी लीप ईयर होगा। ठीक है, चलो, अच्छा इसको बताइए, डॉग का रिलेशन है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, कैट का रिलेशन किसके साथ है, ये क्या है? पहले आप उसका लॉजिक फाइंड आउट करो फिर निकालो। साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए थे, कैट का साइंटिफिक नेम होता है फैलिस कैटिस। ठीक है, सेकेंड वाला बनेगा, ओके, ये आ गया, इसको निकालो। हाँ, ये वाली क्लास इसी टाइमिंग पे रहती है, 9 बजे सुबह में क्लास होती है, 10 बजे इसी चैनल पर। हाँ, साइंटिफिक नेम्स लिखा हुआ था, इस वाले में तो साइंटिफिक नेम्स नहीं है, चेक करिए क्या बन रहा है यहाँ पे। हो गया, देखो यहाँ पे हुआ आपका +1, यहाँ पे हुआ +2, यहाँ पे हुआ 3 जुड़ गया, यहाँ पे 4 जुड़ गया, यहाँ पे 5 जुड़ गया, ऐसे जोड़ते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग जोड़ो, A के बाद B आएगा, ठीक है, फिर B के बाद D आएगा, फिर 3 जुड़ेंगे, फिर 4 आपके जुड़ जाएंगे, फिर 5 जुड़ेंगे, 18, 5, 23, फिर 6 जुड़ेंगे, देन 7, और देन ये वाला आएगा आई थिंक सो, ठीक है सी ऑप्शन। डी वाला गलत है, सी वाला सही है। लास्ट में देखो ना, लास्ट में देखो ना 8 जुड़ रहे होंगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और इसमें 7 जुड़ रहे होंगे तो एच आएगा, तो ये दोनों, ये वाला दोनों करेक्ट है। लास्ट के 2 लेटर्स देख लो तब भी बन जाएगा, ठीक है। सारे लोग अभी लाइक कर दो, चलो पहले लाइक करो फिर आगे चलते हैं ना। और 10 बजे वाली जो टॉपिक वाइज वाली क्लास होती है वो इसी के बाद है, आज भी रोज़ाना की तरह टॉपिक वाइज, ठीक है। तो लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे भी मिलेगा, रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम। और यहाँ भी लगा हुआ है ब्लू कलर का ऊपर लिंक पिनअप किया है, जहाँ आप लाइव आंसर दे रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा लिंक रितिका तोमर ऑफिशियल से, और यहाँ से भी मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। चलो तो अगली क्लास के लिए रेडी रहिएगा, हाँ 10 PM से, ओके। चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको बताइए। टेन PM का सुमित्रा जी ऐप पर रहता है, ऐप पर, यूट्यूब पे नहीं होता, यूट्यूब पे तो अभी चल ही रहा है ना, इसके बाद ऐप पर होता है क्लास, ठीक है। हाँ सबने नहीं किया है अभी लाइक, सबने नहीं करा है, सबको करना चाहिए, सारे लोग करो, सबको बोला था करने के लिए। हो गया? ये ज़रूर इसका क्यूब लिखा होगा, 19 का क्यूब लिखा है ये, और वी का क्यूब 22 का क्यूब कितना आएगा चेक करो, क्यूब्स वैल्यूज़ लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 10648, ठीक है। चलो इसको बताइए भाई, यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है? लॉजिक का आप कुछ भी लगा लो, ऐसा नहीं है कि मैंने जो लगाया वही सही है, लेकिन फॉलो करना चाहिए ऑप्शंस के हिसाब से भी, ठीक है। हो गया? एक तो ये हो सकता है कि जैसे आप इसमें से इसको घटा के देख लो उतनी वैल्यू आ रही है कि नहीं, 16, लेकिन फिर ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा ये भी हो सकता है कि 9 का स्क्वायर 81 -3 78, ठीक है। वहाँ पर 7 का स्क्वायर -3 49 -3 = 46, ठीक है। नेक्स्ट हो गया। अब फैक्ट, स्नेह और आसक्ति सेम मीनिंग होते हैं दोनों, एग्जिस्टेंस का सेम मीनिंग होता है सर्वाइवल, जीवित रहना, जिंदा रहना, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा अलग रहेगा, ठीक है। इनमें से कौन सा डिफरेंट रहेगा वो चेक करिए। हो गया? ये आपका वॉवल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट, इसमें तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, इजी था ये, ठीक है। चलो अगला बताओ, ये वाला, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा वैल्यू आपका अलग है, चेक करिए। हाँ यार वॉवेल ही होगा, और किसको अलग करोगे वहाँ पे, और कोई लॉजिक तो है नहीं ना, और तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं। फिर सारे स्क्वायर्स लिखे हुए थे डायरेक्टली, देखो यहाँ सी वाले में स्क्वायर नहीं है, बाकी सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो एकदम इजी वाले हैं, इसको तो सबको करना ही करना है सॉल्व। इधर बताओ, एफ का अपोजिट लेटर यू होता है, ठीक है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, एम का अपोजिट एन, तो के का अपोजिट पी होना चाहिए था, पी यानी 16 लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत लिखा हुआ है ना इसका मतलब, ठीक है, हाँ ओके। चलो इसको बताओ भाई, ये सारे जो भी आप लोग जैसे पढ़ते रहते होंगे है ना, तो वो सारे इस जो आपके फाउंडर हैं, ठीक है, या जो उस कंपनी से रिलेटेड है ना, वहाँ पे ये पूछा गया है, तो सारे सेम है, सारे सही है। डेल का बस ये गलत लिखा है, ये मैच नहीं कर रहा। डेल कंपनी के जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं माइकल एच डेल, ठीक है, उन्हीं के नाम पर है ना, तो ये रिलेट नहीं कर रहा था। ओके, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट करो, ये तो हो ही जाएगा, इसको करो, डिक्शनरी वाला ऑर्डर चेक करो क्या है। इनको सेट करना था डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो सबसे पहले पहला लेटर देखा, वर्क नहीं कर रहा। सेकेंड लेटर देखो, यहाँ जी है, यहाँ सेकेंड लेटर आर है, वहाँ पे एन है, लास्ट वाले में एल है, तो सबसे पहले ए पी सी डी में तो जी आता है, यानी ये पहले आएगा, फिर एल आता है, फिर एन आता है, और सबसे लास्ट में आर आता है, तो ये होना चाहिए। 1 4 3 2 कौन से ऑप्शन में लिखा है? सेकेंड वाले में लिखा हुआ है, सेकेंड वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल्स बताइए, अभी 1-2 दिन पहले ही ट्रायंगल बताया आपको, इसी क्लास में पढ़ाया था, ट्रायंगल निकालना सिखाया था, तो बता सकते हो इसका आंसर क्या है, चेक करिए। हो गया, तो आप इसको चेक करो पहले। 1 2 3 4 5 यहाँ से 15 आएगा, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐड करके 21, याद आया, हम लोग ऐड करने वाला लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर 1 + 2 बराबर 3, चेक करें कितने आ रहे हैं, 21 + 15 + 3, तो ये हो जाएगा 39, और जो बड़ा वाला है वो ऑलरेडी नीचे वाले 21 में आ चुका है, तो उसको काउंट अलग से नहीं करना है, ठीक है, 39 ही इसका जवाब है। ये वालों ने तो ज़्यादा कर दिया, और कोई बात नहीं, वो गलती मानी जा सकती है, लेकिन 44 तो फिर बहुत ही ज़्यादा गलत है, वो तो फिर और ही ज़्यादा गलती हो गई ना, ठीक है। हाँ, ये ट्रिक से ही समझा दिया मैंने, ट्रिक से ही समझाया भाई, इससे फास्ट ट्रिक क्या हो सकती है। 39 आ गया तुरंत, इससे जल्दी तो नहीं आ सकता ना यार। ट्रिक ये है कि जब भी आपके ट्रायंगल्स होते हैं उसमें ऐसी वर्टिकल लाइंस आती है, तो आप उन्हें ऐड कर लिया करो उन पार्ट्स को, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, उतने ही ट्रायंगल्स वहाँ पर होते हैं, ठीक है, ये ट्रिक है इसका। ओके, तो 39 होना चाहिए। चलो इसको बताओ, हो गया। पहले आप ये सोचा करो कि ये वैल्यू आ कैसे सकती है, तो फिर सबको बन जाता है। ठीक है, हाँ चेक करें। देखो अब जैसे मान लो यहाँ पर है 35, सबको मालूम है 35 कैसे आएगा। 7 का गुणा 5 से करते हैं तब आता है 5। पहले से है 7 चाहिए, 7 कैसे आएंगे? 10 में से 3 को घटा दो, 7 आ जाएंगे। हो गया फिनिश। 8 में से 4 को घटाया 4 आया, 4 का 7 से गुणा करा तो 28 आ गया। बस यही लॉजिक लगाना था और क्या। 32 लाने के लिए 8 का गुणा 4 से करना चाहिए, 4 लाने के लिए 9 में से 5 को घटाना पड़ेगा अपन को, तो यहाँ पर 5 चाहिए होगा। सही है, क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे बताइएगा लाइंस कितनी आ रही है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस कितनी आ रही हैं, चेक करिए। बन गया। जो बड़ी बड़ी लाइंस होती है उन्हीं को काउंट करना है, छोटी वाली को नहीं, बड़ी बड़ी लाइंस को ही काउंट करना है। ठीक है, तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, 5 लाइंस, छठवीं डायगोनल, 7वां, अंदर वाले 2 डायगोनल, 8 और 9। ठीक है, 9 लाइंस यहाँ से आपके पास आ जाएंगी। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। चलो देखो ये है आपका C इज़ द वाइफ ऑफ B। ठीक है, C है पत्नी, B की पत्नी है, तो B तो उसका पति हो गया यार, सिखाया गया ये भी 10 बजे वाले क्लास में। ठीक है, E C का बेटा है, पॉजिटिव साइन। A B का भाई है, ठीक है, ये इसका ब्रदर है, और D का पिता है। ऐसे बनेगा। अब कितना भी कर लो यार, ये दोनों आपस में कज़िन ही लगेंगे, क्योंकि रियल भाई बहन तो ये है नहीं। तो कज़िन अपने पास ऑप्शन में था तो टिक कर देते हैं, क्या परेशानी है। ठीक है, सही है, हाँ आ गया होगा, ये वाला इजी था। ठीक है, और यहाँ तो आप क्लास कर ही रहे हो, यहाँ पे अभी हमारा पैटर्न चल रहा है, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी, एक्सपेक्टेड पेपर भी, लेकिन अभी टॉपिक्स जो हम चला रहे हैं वो इसके बाद वाले क्लास में। तो 10 बजे वाले क्लास को सभी लोग डेस्परेटली ज्वाइन करो, डेली ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि वो पेपर तक ही चल रही है, 1-8 महीने और। ठीक है, फिर हमारी वही 1-2 क्लासेस ही चलती हैं, यहाँ पे फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये जो लिंक दिया हुआ है, ये इस पर क्लिक करके आप 10 बजे की क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी फिनिश नहीं हुआ है लेकिन मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो 10 बजे वाली क्लास बिल्कुल फ्री है, उसमें ज्वाइन किया करो। ठीक है, 10 PM फ्री रहती है, उसके बाद आपकी स्पीड बूस्टर वाली 11 PM रहती है, सुबह भी रहती है, 11 बजे भी। ये अभी तीनों फ्री ही चल रही हैं, 4 बजे भी रहती है। ठीक है, ऐप पर, जिसमें से 10 बजे वाली स्पेशली टॉपिक वाइज है। ठीक है, हाँ तो ऐसा है कि डेली डेली हमें कुछ अच्छा पढ़ने के लिए मिल रहा है तो उसको ज्वाइन करें, क्योंकि अभी लिमिट भी नहीं है अनअकैडमी पर, अभी कोई लिमिट नहीं है, है ना। जो 60 मिनट्स वाला आपका लिमिट था वो भी अभी हट गया है, पूरे दिन आप अनलिमिटेड कितनी भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तुम लोगों ने क्या सोचा, ख़त्म हो गया? नहीं 10 बजे ख़त्म होता है ना ये वाला, जैसे ही फिनिश करते हैं उसी के बाद स्टार्ट करते हैं। सबको एडिशन 20 आ रहा है, यहाँ पे भी सबका एडिशन 20 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 20 आ रहा है, तीसरे वाले में नहीं आ रहा, बाकी सभी में 20 आ रहा था, है ना, सही है। तीसरे वाले में नहीं आ रहा है, बाकी सभी में आ रहा था, है ना। तो 10 PM वाले का जो क्लास का लिंक है वो आपको यहाँ पे रोज़ लगवा दिया जाता है आपके लाइव चैट सेक्शन में, जहाँ आप आंसर करते हो, और टेलीग्राम से भी लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम रितिका तोमर ऑफिशियल, ठीक है, ओके। हाँ, टेलीग्राम से भी रितिका तोमर ऑफिशियल सब मिल जाएगा आप लोग, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगी। यार सारे लड़के लंबे हैं, राजीव एक लड़का है, तो ये तो पहला वाला कंक्लूड हो ही गया कि राजीव लंबा ही होगा, लड़के सारे ही लंबे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इस वाले को बताओ, इसमें पहले सबको अलग अलग करो फिर बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। पता कैसे चलेगा इस क्वेश्चन में एडिशन है, सब में पहले एडिशन ही लगा कर देखा करो, ठीक है। और पता ऐसे चलेगा जब हम डेली क्लास करेंगे यहाँ पर, तो पता चल जाएगा। सब में हम पहले एडिशन ही लगा के देखते हैं, बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है ना। चलो देखो, यहाँ पे लिखा था रमेश सतीश से ज़्यादा अमीर है, ठीक है, रमेश सतीश से ज़्यादा अमीर है, ठीक है, लेकिन जया रमेश से कम अमीर है। तो बना लेते हैं पहले, रमेश सतीश से ज़्यादा है, रमेश सतीश से ज़्यादा है, जया रमेश से कम है, रमेश से पीछे रहेगी जया, और राम जया से कम अमीर है लेकिन सतीश से ज़्यादा है, तो इधर आ जाएगा राम लेकिन सतीश से ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन ख़त्म ही है ऑलमोस्ट, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा करते जाइए। और रमेश नवीन से कम है, ये नवीन से कम है, हो गया ना क्वेश्चन ख़त्म। पहले अलग अलग लिखा करो, बाद में मैच कर दिया करो, ये सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा का पूछा गया था हम लोगों से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर बताइए आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। ट्राइंगल्स नहीं, लाइंस पूछी गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 पड़ी, 2 डायगोनल्स, 1 2 लाइंस है, सिंगल लाइंस यहाँ पे 6 आएंगी, ठीक है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है। हेडेक में एस्पिरिन की टैबलेट्स हम लोग लेते हैं, मलेरिया में हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन, सबको पता होगा, चौथा वाला आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस फाइंड करें, देखो ये 1 2 3 4 5 6 तीन वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, फिर ये 2 आपके डायगोनल्स हो गए 8, फिर 4 छोटे छोटे डायगोनल्स 9 10 11 12 लाइंस हैं यहाँ पे टोटली। ठीक है, अनअकैडमी पे पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे भाई बता तो दिया। अनअकैडमी पे पढ़ने के लिए ये जो लिंक दिया रहता है यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना, ये जो लिंक दिया है ना इस पर क्लिक करके सीधे सीधे ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली मेरा नाम सर्च करके ऐप पर और लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे दिख जाती है लाइव क्लासेस। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, नाम भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी लाइव क्लास दिख जाएगी, या फिर इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल। ठीक है, यार इसरो यहाँ पे ठीक है रशिया में है ना, नहीं है इंडिया में है, इस क्वेश्चन के हिसाब से रशिया में है, वैसे इंडिया में है ना, तो अलग हो गया। देखो अब इसमें सबसे पहले क्या है, सीड। ठीक है, सीड के बाद पेड़, पेड़ से लकड़ी, लकड़ी से पेपर, पेपर से किताब। पहला वाला आंसर आएगा, यहाँ पे चेक करो। मिंटू भाई बता तो दिया, ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करो अनअकैडमी वाले को, उसके बाद से लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नाम सर्च करके। ठीक है, इसको डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना था ना, तो सबसे पहले GE सबसे पहले आएगा, फिर L आएगा, L में भी A पहले I बाद में है ना, फिर आता है R, सबसे लास्ट में आता है Y। 31254 सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इसको बताओ पूछ ही रहे हो भाई कि सुन ही रहे हो, पूछते ही जा रहे हो, सुन तो रहे नहीं हो। अनअकैडमी ऐप पे पढ़ना है, ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक ऊपर लगी हुई है कमेंट सेक्शन पे, उस लिंक पे क्लिक करके क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ बोल ही रहे हो, सुन तो रहे नहीं हो, 4 बार बता चुकी हूँ। ठीक है, ये ऐप दिया हुआ है अनअकैडमी का, इस पर डायरेक्टली ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अनअकैडमी पे पढ़ना है तो वो बता रही हूँ कैसे पढ़ना है, सुन तो रहे नहीं हो, पूछ ही रहे हो बस। हो गया, देखो इसमें एक शब्द बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा है ना, वॉट। ठीक है, फिर भी वॉट ही बन रहा है, लेकिन फिर हर अक्षर डबल डबल होता जा रहा है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे डबल W डबल हो गए AT, फिर यहाँ W डबल H डबल A डबल T सिंगल, बाकी फिर लास्ट में सारे डबल हो जाएंगे। ऐसे पैटर्न कई बार कराए गए हैं। ठीक है। पहले तो सारे सिंगल थे, फिर एक एक करके सारे के सारे लेटर्स आपके डबल हो रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका बनेगा सी वाला, बी वाला नहीं सी वाला। चलो ये बताओ, देखो जितने भी डॉल्फिन्स हैं वो मैमल हैं और जितने भी स्नैक हैं वो सभी रेप्टाइल्स हैं। तो डॉल्फिन आएगी मैमल्स के अंदर, स्नैक आएंगे रेप्टाइल्स के अंदर, पहला वाला होगा इसमें, ठीक है। अब चेक करो, कहाँ बफर हो रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है। 3 into 4 कितना होता है, 12 होता है, और 8 into 8 64 हो जाता है। 64 होना चाहिए था इसमें, ठीक है। चलो ये वाला सेट कैसे होगा, देखो जिस तरीके का ये सेट था वैसा ही यहाँ पे कुछ सेकंड वाले में दिख रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है वो चेक करो। एक्चुअल लॉजिक इसका देखिए, देखो ये इसका एक्चुअल लॉजिक है। पहले तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ा है और एक में माइनस करा हुआ है और लास्ट में दोनों वैल्यूज़ को जोड़ दिया, फिर एक बार जोड़ा एक बार माइनस करा, लास्ट में दोनों को जोड़ दिया, ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलें ओके, तो गाइज आज हम लोग इस वाले को कर रहे हैं होमवर्क में। इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे 9 PM, ठीक है। अभी हम लोग अगली क्लास करने जा रहे हैं जो कि हमारी ऐप पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट 10 PM फ्री क्लास टॉपिक वाइज, ओके। 10 PM आपकी फ्री क्लास चलेगी, इसी के बाद सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो ऐप पे रितिका10 कोड से, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए सारे लोग, है ना। लिंक यहाँ पे देख रहा होगा, ठीक है। कैमरा का फोकस गड़बड़ बता रहे हैं कुछ लोग, ऐसे बावले हैं, खुद का नेट 5 रुपये वाला डलवाते हैं फिर बताते कैमरा का फोकस गड़बड़ है। ये देखो, हाँ ये जो लिंक दिख रही है आप सभी को, ठीक है, वो आप लोग के अनअकैडमी वाले क्लास का लिंक है। वहाँ से आपको लाइव क्लासेस दिख जाएगी। मेरे प्रोफाइल पे डायरेक्टली पहुँचकर भी आप लाइव क्लास निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो डायरेक्टली वहाँ से लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, अगर ये वाली लिंक से फॉलो नहीं होता ना नेक्स्ट क्लास, है ना, टॉपिक वाइज वाला इसके बाद वाला, अगर ये वाली लिंक से फॉलो नहीं होता तो इस चैनल पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर भी लिंक आ जाती है। अगर कोड पूछ रहा है मान लो, ठीक है, तो कोड आपका ये है। अगर कोड पूछता है तो ये लगा देना, ठीक है। ये भी आपका रितिका10 कोड है, ठीक है। डायरेक्टली ऐप से कोड लगा करके सीधे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका कोड है, ठीक है ना। इस वाले चैनल पे जुड़ जाओ, सबको मिल जाएगा यहाँ पे लिंक। इसी चैनल पे आप ऐड हो जाइए, सबको आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इसी चैनल पर ऐड हो जाइए सारे लोग, ठीक है। चलिए तो लिंक अभी दिख रही है, फिर से दिखा देती हूँ। जब तक ये सेशन चल रहा है तब तक ये लिंक आपकी लाइव है, उसके बाद फिर सेशन बंद हो जाएगा तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी ही इस लिंक पे क्लिक करके, अगर आपके मोबाइल में ऐप है तो तुरंत आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए और बाकी सबको बताइए कि आप लोग सेशन में प्लस के कोर्सेज़ वगैरह में जुड़ोगे तो आप लोग यहाँ से ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। प्लस के कोर्सेज़ में हमारे जुड़ने के लिए, उसके लिए भी 20% डिस्काउंट के लिए रितिका10 कोड आप लगा सकते हो, ठीक है। 20% डिस्काउंट के लिए यही कोड आपका लग जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हो ऐप को तो। ये लेकिन 10 बजे वाली क्लास फ्री है, तभी भी कोड अगर पूछेगा तो आप यही कोड लगाएंगे, ठीक है। 10 बजे वाली क्लास के लिए कोड पूछेगा तो यही कोड लगा सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो अभी सारे लोग या तो इस लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइए या टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से ओपन